वर्ल्ड इन थ्री मिनट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे द बिग एप्पल। जी हाँ, इस वीडियो में आप जानेंगे न्यूयॉर्क सिटी में पेपरवा घूमने के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और एक्सपर्ट ट्रैवलिंग डिटेल्स। इंडिया से न्यूयॉर्क तक का फ्लाइंग टाइम 15 से 17 घंटे का है। न्यूयॉर्क का समय इंडिया से 9 घंटा 30 मिनट पीछे है। न्यूयॉर्क जाने के लिए इंडियन टूरिस्ट को यूएस कॉन्सुलेट से प्रायर वीजा लेना जरूरी है, जिसे प्रोसेस होने में 3 से 7 दिन का समय लगता है, और इस प्रक्रिया में एक पर्सनल इंटरव्यू भी शामिल है। न्यूयॉर्क का वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन इन मंथ्स में विजिट करना एक अच्छा आइडिया है, अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर। चलिए आपको बताते हैं न्यूयॉर्क में काम आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स। न्यूयॉर्क में काफी सारे टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर क्यू में खड़े रहने के लिए तैयार रहें। अट्रैक्शंस पर सुबह सुबह पहुंचना एक अच्छा आइडिया है। न्यूयॉर्क में ड्राइव न करें, सबवे या टैक्सी की मदद लें। हम आपको 3 या 7 डेज सबवे पास लेना सजेस्ट करते हैं। न्यूयॉर्क में आप एक साइट सीइंग पास जरूर लें, जिसे लेने के बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी से काफी सारे अट्रैक्शंस विजिट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में आप काफी चलने वाले हैं, इसलिए एक कंफर्टेबल शूज का पेयर जरूर साथ में ले जाएं। न्यूयॉर्क के बारे में एक गलत फहमी है कि यहाँ घूमने की जगहें सिर्फ मैनहट्टन ही है। माना कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क का सबसे लाइवली एरिया है और टूरिस्ट पैराडाइज भी माना जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क में दूसरे बरोज कुछ कम नहीं है, जैसे अपनी रिच हिस्ट्री और क्रिएटिव सीन्स के लिए मशहूर ब्रुकलिन, कल्चर और क्यूजीन का हब क्वींस, फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड स्टेटन आइलैंड्स, और हिप हॉप का जन्म स्थल और न्यूयॉर्क जू और बोटानिकल गार्डन्स के लिए मशहूर क्षेत्र द ब्रॉन्क्स। न्यूयॉर्क में घूमने के कुछ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं सेंट्रल पार्क, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का स्काई डेक, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्रुकलिन ब्रिज, द हाई लाइन, फिफ्थ एवेन्यू पर स्थित रॉकफेलर सेंटर, और ऑफ कोर्स द टाइम्स स्क्वायर। न्यूयॉर्क की फेमस डेलिकेसीज जानने के लिए आप हमारी वीडियो टॉप 5 सिटीज विद द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड यहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। न्यूयॉर्क में आप यह सारी चीजें सोविनियर्स के तौर पर ला सकते हैं। आई लव न्यूयॉर्क टी-शर्ट्स और सोविनियर्स, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लेप्रेकॉन्स और हैट, टीम यांकीज मर्चेंडाइज, बॉन्ड नंबर 9 की न्यूयॉर्क परफ्यूम्स, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के मोमा डिजाइन स्टोर्स में आप काफी सारे इनोवेटिव गिफ्ट्स ला सकते हैं, ब्रॉडवे शोज के ऑफिशियल मर्चेंडाइज और जब्बार मार्केट से बहुत सारी खाने की स्वादिष्ट चीजें। चलिए अब आपको बताते हैं न्यूयॉर्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के पास 9,000 करोड़ का सोना है, जो एक वॉल्ट में रहता है, जिसका टूर आप ले सकते हैं। ब्रॉन्क्स जू अमेरिका का सबसे बड़ा जू है, जहां 5,000 से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियां हैं। ब्रॉन्क्स जू में आप वेडनेसडे को फ्री में विजिट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर 40,000 से भी ज्यादा स्ट्रीट फूड स्टॉल्स हैं। औसतन हर स्ट्रीट पर 25 से 30 वेंडर्स होते हैं। इनमें से कुछ को ट्राई करना न भूलें। इस फैक्ट शीट को आप जरूर पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव करना न भूलें। नेटसार की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेटसार की ओर से थैंक यू।